भैया फैट लॉस करना है, कुछ उपाय बताइए। अरे अबे धीरे बोल, ये ले पुड़िया, इसको दिन में 2 बार वोडका में डाल के पी लेना। इससे फैट लॉस हो जाएगा? फैट लॉस हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर, पूरा एकदम पतला हो जाएगा तू, ले पकड़। तो गाइज़ रिसेंटली अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 10 बेस्ट फूड बताए थे वेट गेन के लिए। तो वो वीडियो के बनाने के बाद मुझे कुछ लोगों के मैसेज आने लगे कि भाई फैट लॉस के ऊपर भी वीडियो बनाओ कि क्या खाए जिससे फैट लॉस हो। तो आपका रिक्वेस्ट हो और मैं पूरा ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम है सौरव और आज हम बात करने वाले 5 बेस्ट फूड्स फॉर फैट लॉस। तो गाइज़ इस चैनल पे मेरी सबसे पहली वीडियो फैट लॉस के ऊपर थी, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख लो। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फैट गेन के रीजंस क्या है और हमें क्या अवॉइड करना चाहिए जिससे हमारा फैट गेन ना हो, और मैंने बताया था कि किस तरह से हम कैलोरीज को मेंटेन करके अपना फैट लॉस कर सकते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 फूड्स बताने वाला हूँ जो आप अपने रेगुलर डाइट में ऐड करेंगे तो आपको फैट लॉस करने में और ज़्यादा मदद होगी। तो फैट गेन उन लोगों का होता है जिनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो रहता है, तो ये फूड्स आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट भी करेंगे और इनमें से मोस्ट ऑफ द फूड्स कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने वाले, मतलब कि जिनको मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको फैट गेन की प्रॉब्लम है तो आप सिंपल कार्ब्स खाना छोड़ दो और कॉम्प्लेक्स कार्ब खाना चालू करो। मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के बारे में बताता रहता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से बताता हूँ। सिंपल कार्ब्स यानी कि जो फूड जल्दी से जाके पच जाता है, मतलब जल्दी से जाके डाइजेस्ट हो जाता है, उसे हम सिंपल कार्ब्स कहते हैं, और जो फूड डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है उसे हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कहते हैं। तो फैट लॉस जिसको करना है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज़्यादा खाए तो उनके लिए बेटर रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं 5 बेस्ट फूड फैट लॉस के लिए। गाइस हमारी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर है ग्रीन टी। तो आप अपनी डाइट में ग्रीन टी ऐड कर सकते हैं। ग्रीन टी हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में हेल्प करता है और ये हमारे को फैट लॉस करने में भी हेल्प करता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन फूड का वो भी अच्छा होगा, तो जिससे हमें फैट लॉस में ज़्यादा मदद होगी। तो ग्रीन टी आप अपने ब्रेकफास्ट में या फिर स्नैक्स में ले सकते हो, 2 टाइम भी ले सकते हो या फिर 1 टाइम भी ले सकते हो। इससे आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा और एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। तो पहला फूड था ग्रीन टी। सेकेंड फूड है ग्रीन वेजेस यानी कि स्पिनेच, ब्रोकली, जो भी ग्रीन वेजेस है वो आप ले सकते हो, अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, वो भी फैट लॉस करने में काफ़ी अच्छे से मदद करना है। इसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है और ये फैट लॉस करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। तीसरा फूड है हमारा ओट्स। तो आपने एडवर्टीजमेंट में भी देखा होगा और बहुत जगह सुना भी होगा कि ओट्स फैट लॉस करने में मदद करता है, क्योंकि ओट्स एक कॉम्प्लेक्स कार्ब है और इसे हम हेल्दी भी मानते हैं, हेल्दी मानते ही नहीं हेल्दी होता भी है। तो आप इसको अपने ब्रेकफास्ट या फिर लंच में ऐड कर सकते हैं। तो ओट्स भी आप अपनी डेली डाइट में ऐड कर सकते हैं फैट लॉस करने के लिए। तो फोर्थ नंबर पर है हमारे पास एप्पल साइडर विनेगर। तो एप्पल साइडर विनेगर भी हमारा इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में मदद करता है, जो कि आप फैट लॉस करने के लिए अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। तो फिफ्थ नंबर पर है हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर, योगर्ट, मिल्क, दही, ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो जो कि डाइजेशन की वीडियो थी उसमें मैंने आपको कहा था कि दही आप ले सकते हो अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, और अगर आप फैट लॉस भी कर रहे हो तो आप दही अगर लोगे अपनी डाइट के अंदर तो आपको फैट लॉस में ही मदद करेगा और आपका डाइजेशन भी सही होगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा। तो गाइज़ ये थे वो 5 फूड जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो जिससे आपको फैट लॉस में मदद होगी। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या फिर सजेशन है वीडियो को लेके तो कमेंट कर दो, और आई होप आपको इस वीडियो से फैट लॉस जिनको करना है उनको मदद मिली होगी कि अपने डाइट में क्या क्या फूड ऐड कर सकते हैं। मुझे काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि क्या खाए जिससे फैट लॉस हो, तो ये आपके 5 फूड है जो आप अपने डाइट में ऐड करके फैट लॉस कर सकते हो। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये था हमारा सीरीज़ का लास्ट वीडियो। मतलब मैंने जैसा कहा था कि 7 डेज 7 वीडियोज़ में डालूंगा, 7 दिन हर दिन अलग अलग वीडियो, तो वैसा मैंने किया।
आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी हो तो मैंने इसका प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।